अपना खुद चैनल आप खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। किस तरीके से, ये मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको इसकी जानकारी। हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग से एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, चैनल में सेटिंग करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, उसके बाद उसके चैनल को हम वीडियो डाल देते हैं। उसमें वीडियो डालते डालते जैसे ही वो थोड़ा टाइम जाएगा तो सडनली तो कोई सब्सक्राइब नहीं आएगा, लगभग चांस होता है। लेकिन एक मेरा एक जगह एक वीडियो देखा था तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि दोस्तों मेरे चैनल करीबन 4 साल से चल रहा था, मेरे वीडियो भी अच्छे व्यूज आ रहे थे, करीबन मैं डेली 1 महीने का $400 से $500 कमा रहा था उस चैनल से। तो मैंने सोचा कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज नहीं बढ़ रहे, तो इसमें मुझे क्या करना होगा। ये सोच रहे थे, सोचते उनके सामने बड़े से बड़े कोई टैग यूट्यूबर का चैनल आ गया। तो यही हम लोग गलती करते हैं। आप सोचते कि हम छोटे यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर की हम बात माननी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मत मानो, जो हमें ज़रूरी है मानो, अपने दिमाग से काम करो, ये मैं कहता हूँ आपको। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए उनके सामने एक चैनल आ गया किसी टैग बड़े यूट्यूबर का। तो जैसे ही वो टैग यूट्यूबर का चैनल वीडियो देख रहे थे, वहाँ पे उनको मिला कि आपके जो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, तो आप एक काम कीजिए, अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो पे डालना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे तो उनके वीडियो पे ऑलरेडी 7,000-8,000 व्यूज आ ही रहे थे, लेकिन इनको सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने सोचा चलो मैं शॉर्ट वीडियो डाल देता हूँ। तो इन्होंने कंटिन्यू शॉर्ट वीडियो डालना चालू किया, तो एक शॉर्ट वीडियो पे उनको 10,000-15,000 इस तरीके से व्यूज आने लगे, इस तरीके से इनका सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। लेकिन अर्निंग इनकी कम होने लगी। तो इन्होंने सोचा है मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले तो मेरी अर्निंग सही थी, मेरे चैनल पे अर्निंग आ रहे थे, मुझे इसका इनकम मिल भी रहा था, लेकिन अभी मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस यूट्यूबर की बात सुनने के बाद इन्होंने अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो डालने लगे। तो दो मिक्स हो गए, लॉन्ग और शॉर्ट। तो लॉन्ग पे व्यूज कम आने लगे, पहले तो 4,000-5,000 व्यूज आते थे, अभी धीरे धीरे करके 1,000-1,500-300-400 पे आने लगे और शॉर्ट वीडियो बूस्ट होने लगा। शॉर्ट वीडियो में तो आपको पता ही है कि अर्निंग नहीं होती है, शॉर्ट वीडियो में अर्निंग बहुत ही कम होती है। तो यूट्यूब ने क्या किया, इनके लॉन्ग वीडियो का बूस्ट जो अच्छा खासा चल रहा था उस पर बूस्ट कम देने लगा और शॉर्ट वीडियो पे ज़्यादा देने लगा। तब इन्होंने क्या किया, शॉर्ट वीडियो जैसे ये डाल रहे थे अपना चैनल खुद बर्बाद कर दिए, अपना अर्निंग कम कर ले, क्योंकि पहले तो 400-500 तो अर्निंग आती थी, लेकिन अभी हर महीने में 40-50 अर्निंग इनकी आने लगी, $50 अर्निंग इनकी आने लगी। तो इन्होंने खुद अपने हाथों से बड़े यूट्यूबर की बात सुन के, क्योंकि बड़े यूट्यूबर टेक यूट्यूबर की बात सुन के अपने चैनल को खुद बर्बाद कर दिया। और बार बार मैं कहता हूँ, हम तो छोटे यूट्यूबर हैं, हमें तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, लेकिन बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखो, नॉलेज लो, तब जाके आप ये सोचना कि मैं अपना खुद का चैनल किस तरीके से गेन कर सकूं। किसी को देखे देखे, जैसे एक कहावत है, एक बकरी चले जाने के बाद कुएं में गिर जाती है तो उसके साथ में पूरे बकरियां उसके साथ कुएं में गिर जाते हैं। तो यही चीज़ हमारी होती है कि हम अपना अच्छा खासा चैनल इस वजह से बर्बाद करते हैं, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट को कभी भी मिक्स मत करो, इससे आपका चैनल बूस्ट नहीं होगा, बर्बाद होगा। शॉर्ट से व्यूज तो आते हैं, शॉर्ट से तो आपको सब्सक्राइबर तो मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे अर्निंग बहुत ही कम है, ये आपको पता है, अर्निंग ना के बराबर है। लॉन्ग वीडियो को जितना हो सके, अगर आप अपना चैनल पे लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो तो वहाँ पे ही काम करो, चाहे भले ही आपके सब्सक्राइबर कम आए, भले ही आप पे थोड़ा व्यूज कम आए, लेकिन वहाँ पे मेहनत करो। मेहनत करने के बाद आपको एक ना एक दिन उसका रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि देखो बड़े से बड़े यूट्यूबर, मनोज दे हो, टेक्निकल टेक चैंपियन सर हो, या इसी तरह बहुत सारे लोग अपने चैनल पे काम किए, उनके चैनल डिलीट होने के बाद वो अब हार नहीं माने, काम करते चले गए, काम करते करते आज उनकी पोजीशन यहाँ तक पहुँची है कि उनको अच्छा अर्निंग हो रहा है, वहाँ अपने घर भी बना लिया, अच्छे से अच्छा गाड़ी भी ली, यूट्यूब से हर सपना पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, ये नहीं कि आज मैंने चैनल बनाया है कल ही मुझे इसका इनकम आना स्टार्ट हो जाए, ये नहीं होता। आप सोचे कि टाइम पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये टाइम पास करते करते अच्छे अच्छे नॉलेज दे दो लोगों को, जब जाके आपका कहता हूँ कि आपका वीडियो ज़रूर वायरल होगा, आपका चैनल वायरल होगा, आपका फेस वैल्यू होने लगेगा, तो जब जाके आपकी अर्निंग अच्छी होने लगेगी। तो ये मेरी बात याद रखना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से वीडियो मैं आपको दूँ। क्योंकि मेरा तो एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे तो व्यूज़ नहीं है। आप सोचते कि ये क्या हमें
ज्ञान देगा। अरे छोटे यूट्यूबर अपने वीडियो पे अच्छे से अच्छे ट्रिक्स यूज करते हैं अपना वीडियो को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपने चैनल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जहां से भी हो जो भी हो नॉलेज अपने चैनल पे करने लगते हैं, ट्रिक्स करने लगते हैं, तब जाके तो हम बड़े यूट्यूबर बनते हैं ना। तो ज्यादातर आप क्या करो, अपने दिमाग से काम करो, अपना नॉलेज अपना खुद का यूज करो, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाएंगे। ये मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। बाय बाय, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।